नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएमओ कार्यालय से फ्लावर कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। कर्नाटक मंत्री प्रभु बी चवन पत्रकारों से हुए रूबरू। और फिल्मी दिग्गज अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, सतीश कौशिक ने देखी मां गंगा की आरती। और अब खबरें विस्तार से। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनगर क्षेत्र में कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कैंट विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेसी नेता ओम प्रकाश ओझा ने अपने आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर जोश व उत्साह भरने के साथ साथ युवा कार्यकर्ताओं से ये वचन लिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकना है और कांग्रेस को फिर से प्रदेश की सभी सीटों पर भारी जीत दिलाना है। कांग्रेस के इस स्थापना दिवस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक ललन तिवारी ने वहां उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पार्टी के प्रति जागरूक व निष्ठावान रहने की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रमुख रूप से पूर्व विधायक अजय राय, रमेश पांडे, राकेश पांडे, मार्तंड पांडे, मुन्ना खत्री इत्यादि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं ये है पार्टी के मन में कि कैसी चीजों को आगे मजबूती से आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसको और ताकत दिया जाए। इसलिए सभी लोग वरिष्ठ वरिष्ठ जन को अलग अलग विधानसभा में लगाया गया है। मेरी विधानसभा में भी एक मोतीलाल देवांगन जी हैं जो छत्तीसगढ़ के पूर्व विधायक हैं और अभी हैंडलूम के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, जिनको मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उनको भी हमारी विधानसभा में लगाया गया। ऐसे दक्षिणी में भी मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ जन लगाए गए हैं। ऐसे ऐसे करके चारों तरफ सीनियर लोगों की टीम बहुत मजबूती के साथ लगाई गई। और मैं निश्चित तौर से आदरणीय प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले ये होता था कि चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद प्रभारी लगाए जाते थे, जैसा मैंने अभी लगातार मैं देख रहा हूँ। हम लोग भी भेजे गए, राजस्थान में मेरी ड्यूटी लगी थी, उदयपुर में, गुजरात में मेरी ड्यूटी लगी थी, जहानाबाद में, जूनागढ़ में और यहाँ पर उदयपुर में। तो ये जब डिक्लेयर कैंडिडेट हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद प्रभारी के तौर पे जाकर वहाँ काम करना था, जो डिक्लेयर था उसके लिए काम करना था। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ, उसके पहले प्रभारी गण हमारे बीच में आ गए। तो निश्चित तौर से इसका बहुत ही मुझे लगता है कि अच्छा एक कार्य करने की जो चीजें चल रही है वो निश्चित तौर से अच्छी है। पीएमओ कार्यालय से फ्लावर कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर पीएमओ कार्यालय से फ्लावर कलेक्शन वैन को रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा प्रदेश सह संयोजक सुनील ओझा व रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस वाहन को रवाना किया। इस दौरान अजय सिंह ने बताया कि प्रयोग में लाए गए फूलों को रिसाइकिल करके महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस मुहिम के तहत इस फ्लावर कलेक्शन वैन को रवाना किया गया है जो शहर के विभिन्न स्थानों पर जाकर प्रयोग में लाए गए फूलों को एकत्रित करेगा और फिर इसके बाद इसे रिसाइकिल किया जाएगा और महिलाओं को इससे प्राकृतिक रंग, खाद इत्यादि बनाना सिखाया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 10,000 महिलाओं को इस रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किस तरह का ये कार्यक्रम है आपका, कब तक चलेगा, क्या है? आज का ये कार्यक्रम जो है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता अभियान है उससे जुड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की पहल पर बनारस में जो मंदिरों पर फूल चढ़ते हैं और उन फूलों को अब गंगा नदी में फेंका नहीं जाएगा या फिर वेस्ट नहीं होगा। अब उन फूलों को से जो है उसको इकट्ठा करके महिलाओं को उसको रोजगार से जोड़ा जाएगा और उन महिलाओं को नेचुरल चीज़ें बिना केमिकल का चीज़ें, उनको अगरबत्ती, कोन, उसका नेचुरल कलर हो गया,
हवन कप हो गया, नेचुरल जो खाद हो गया, ये सब बनाना सिखाया जाएगा ताकि उनको दो पैसे का इनकम हो सके। तो कहाँ पे है प्लांट, क्या है ये पूरा प्रोग्राम? बसनी में रूरल में टेक्नोलॉजी पार्क है भारत सरकार का, उसमें चलाया जा रहा है और जिसमें सीमा भारत सरकार की संस्था है उसका टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। और उसमें जो है कि ये फूल गाड़ी से रवाना किया गया है कि भाई कि बनारस में जो फूल होते हैं तो मंदिरों से कलेक्ट करने के लिए, और अभी एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा कि किसी भी पब्लिक को जो कहीं फंक्शन कहीं कुछ भी होता है, जो बेकार फूल फेंक दिए जाते हैं, कोई यूज नहीं होता तो गंदगी ना हो, उन फूलों को हमारा गाड़ी जाएगा कलेक्ट करके लेकर के आएगा और उसको रिसाइकिल करके महिलाओं को रोजगार से उसको जोड़ेगा। कितने लोग को रोजगार इससे मतलब बढ़ावा दिया जाएगा? इसमें साल भर में कम से कम 10,000 महिलाओं को उसमें रोजगार देने का हम लोग का लक्ष्य रखा गया है उसमें। और ये महिला किसी न किसी चाहे पढ़ी लिखी रहे चाहे नहीं पढ़ी लिखी रहे, जिनको जरूरत है वो उनको हर हिसाब से उसमें जोड़ा जाएगा। आज का प्रोग्राम किसने हरी झंडी दिखा के कहाँ से किया? उसमें ये आज जो हम लोग का फूल कलेक्शन वैन है उसको बीजेपी प्रदेश सह संयोजक श्री सुनील ओझा जी और रोहनिया विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी ने उसको हरी झंडी देकर रवाना किया है। अब ये गाड़ी जो है विभिन्न मंदिरों पर शहर में जा करके वहाँ फूल कलेक्ट करके अपने सेंटर पर जाकर रिसाइकिल करके महिलाओं को उसमें विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाना सिखाएगा। कर्नाटक मंत्री प्रभु बी चवन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपने राज्य में हुए कार्यों को बताया। सर्किट हाउस के सभागार में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री प्रभु बी चवन ने प्रेस वार्ता करके अपने राज्य में होने वाले कार्यों को गिनाया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य हुआ है उसी की तर्ज पर अब कर्नाटक का भी विकास होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। पहले तो बाबा विश्वनाथ का मैं दर्शन किया और मैं बहुत छोटा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे घर के लोग बताते थे हम तुम काशी पे लेके गए थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत छोटा था करके। आज जो देख रहा हूँ काशी, इतना परिवर्तन हुआ है। हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे उत्तर प्रदेश के जनप्रिय मुख्यमंत्री योगी जी हो, जो लोगों के लिए यहाँ पूरे देश से विश्व से लोग आते हैं, उनका जो पहले दर्शन बोले तो विश्व में जाके आया सर का होता था। अभी जो मैंने देखा है इतना रास्ता, इतना क्लीन, गंगा मैया अभी भी इतना क्लीन दिख रहा है गंगा मैया कि थोड़ा प्रसाद अंदर ग्रहण कर लेना इतना ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और मैं कर्नाटक से आता हूँ, मैं पशुधन का मंत्री हूँ, गौ माता मेरी माता के मैं शपथ लिया हूँ। मैं मंत्री बनने के बाद मेरे मुख्यमंत्री जी ने, अजी मुख्यमंत्री, हमारे माजी मुख्यमंत्री बी शोटरप्पा जी, उनके अध्यक्षता में गौ हत्या निषेध कानून हमने चालू किया। और अभी हमारे जो प्रेजेंट जनप्रिय मुख्यमंत्री राज्य के बसवराज बोम्मई, उनके इसमें हमने सभी तालुके को पशु संजीवनी 1962 एम्बुलेंस देने जा रहे हैं। और देश में पहली बार हमने प्राणी सहायवानी केंद्र अर्थात वार रूम यह हमने चालू किया है। प्राणी कल्याण मंडली भी हमने स्थापना किया है। सभी जिले में गौशाला हमने मंजूर किया है, 15 करोड़ का धनराशि मंजूर किया है। सभी जिले में अकाउंट में पैसा गया है। जिले में 100 एकड़ से 50 एकड़ तक गौमला जमीन महसूल से लेके हम गौशाला बनाने जा रहे हैं। इसीलिए गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैं वाराणसी में आया हूँ। और ये जो गौशाला मैंने देखा, काना ओपन गौशाला, इसमें 280 जानवर है, जानवर ठीक ठाक तंदुरुस्त है। और मैंने गोबर गैस प्लांट यहाँ लगा हुआ है, डेली इसका 90 टन कैपेसिटी है। यह ब्यूटीफुल है काशी मॉडल, बहुत ही यूपी के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग नसीबवान है, ऐसा सुशासन, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है। देश 10 कदम आगे जा रहा है, इस मॉडल पे ही कर्नाटक में विकास होगा। प्रधानमंत्री जी का तो सभी
सभी प्रांत में, सभी स्टेट में उनका पूरा है। और उनके जब मैंने बात किया था तो पहले लखनऊ आया था, गोहत्या निषेध कानून में बनाने के पहले लखनऊ में आके हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को मिलके ही बाद में मैंने जाके असेंबली में बजट पेश किया था गोहत्या निषेध कानून का। और ये भी मैंने जो आया हूँ, मैं हमारे वाराणसी के एमपी साहब प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में बात करके यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि वाराणसी बहुत तेज से प्रगति कर रही है, प्रधानमंत्री जो अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाला जो चुनाव है 100% वापिस हमारी सरकार आने वाली है, मुझे ऐसा आशा लगता है। फिल्मी दिग्गज अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, सतीश कौशिक दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में शामिल हुए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में सोमवार शाम प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर के साथ देश के जाने माने डायरेक्टर मधुर भंडारकर व सतीश कौशिक शामिल हुए। इस दौरान काफी देर तक सभी फिल्मी दिग्गजों ने मां गंगा की भव्य आरती को देखा और भाव विभोर हो गए। बता दें कि काशी फिल्म महोत्सव में शामिल होने फिल्मी हस्तियां काशी पहुंची हैं। इसी क्रम में हिंदी फिल्मों के मशहूर डायरेक्टर मधुर भंडारकर और सतीश कौशिक भी अभिनेता अनुपम खेर के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। करीब एक घंटे तक दशाश्वमेध घाट पर आरती के साक्षी बने फिल्मी हस्तियों ने इसके बाद गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, सचिव हनुमान यादव से मुलाकात की। गंगा सेवा निधि की ओर से सभी अतिथियों का प्रसाद एवं मंगल वस्त्रम तथा मेमेंटो से स्वागत किया गया। साथ ही गंगा सेवा निधि कार्यालय में बैठकर कुल्हड़ की चाय भी पी व श्रद्धालुओं के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा कि मां गंगा की आरती देखकर मन को हर बार शांति मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा काशी में अद्भुत कार्य हो रहा है। हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है जो अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। कितना अद्भुत रहा, मन भी शांत हो गया और सर का तन भी शांत हो गया। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप पहले भी कई बार काशी आ चुके हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ पर शांति के लिए, प्रार्थना के लिए, मन के विचार साफ हो। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी ने कितना बदला आप? बहुत बहुत बदला। आज मैं सतीश जी से कह रहा था रास्ते में, गलियों में भी देखिए गंद नहीं है। ये वही बना था जहाँ पर बड़ा मुश्किल रहता था तो। माँ गंगा स्वच्छ, पूरा वर्ल्ड मैप पे ला दिया प्रधानमंत्री ने बनारस को। खासकर अभी जो हाल ही में कॉरिडोर की स्थापना हुई, राजनारायण स्मारक पार्क का नाम परिवर्तित कर बेनियाबाग पार्क किए जाने के संदर्भ में सपा द्वारा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत सवारे गए बेनियाबाग पार्क से लोकतंत्र सेनानी राजनारायण का नाम हटाए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने कमिश्नर दीपक अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें पत्रक सौंपा। पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी ने बताया कि बेनियाबाग पार्क लोक बंधु राजनारायण के नाम से जाना जाता था, जिसे भाजपा सरकार ने परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने यहां विक्टोरिया की प्रतिमा लगाई थी, उस प्रतिमा को गुलामी का प्रतीक मानते हुए लोक बंधु राजनारायण ने न सिर्फ आंदोलन किया बल्कि उसे तोड़ भी दिया था। प्रतिमा तोड़े जाने के बाद उन्हें 3 माह की जेल हुई थी। बाद में इस पार्क का नाम बेनियाबाग हो गया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर मुलायम सिंह यादव की सरकार में पार्क का नाम राजनारायण स्मारक पार्क कर दिया गया था। तब से पार्क उसी नाम से जाना जाता था। राजनारायण जी काशी के गौरव थे। विकास योजनाओं के दौरान इस पार्क को फिर से बेनियाबाग का नाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में रोष है। पत्रक सौंपने वालों में प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष सुजीत यादव, सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव संदीप सिंह स्वर्णकार, पूर्व प्रदेश सचिव मनोज यादव, महिला सभा महानगर अध्यक्ष पूजा यादव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। देश के आज़ादी के नायक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, देश के बड़े समाजवादी नेता राजनारायण जी के नाम पर जो पार्क था उसको इन लोगों ने पुनः बेनियाबाग कर स्मार्ट सिटी की जो पार्किंग बनी है उसको कर दिया। उसी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी हम लोग आए थे मिलने के लिए कि हमारी ये मांग थी कि जो देश की आज़ादी के लिए 3 साल जेल काटा हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हों, और जो लोग आज़ादी के बाद आम आदमी की भलाई के लिए 14 साल जेल काटे हों,
ऐसे व्यक्ति के नाम पर बने पार्क को जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने 94 में बनाया था, उसको आपने बेनियाबाग क्यों किया? अगर आप जल्दी इसको दुरुस्त नहीं करेंगे तो फिर इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और हम लोग खुद उस पार्क का नाम पुनः राजनारायण पार्क कर देंगे। बदलने की राजनीति चल रही है, जगहों का नाम बदल करके दूसरा रखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो नाम बदलने का काम करती है। उसने बनारस में गलती कर दी। बनारस में उसने जो राजनारायण जी का नाम बदलने का, राजनारायण जी के नाम के पार्क को बदलने का काम किया है, वो उसको महंगा पड़ेगा। और समाजवादी लोग उसको बेनियाबाग पार्क के नाम से नहीं रहने देंगे। जो हो सकता है किसी भारतीय जनता पार्टी के पुरखे रहे हो बेनी, लेकिन ये रहेगा राजनारायण जी के नाम, और ये नाम महंगा पड़ेगा बदलना भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। किस तरह से आप नाम दबाएं? आज हम लोग मिले हैं, कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि हम नाम के लिए, मैंने स्मार्ट सिटी के सीईओ को मैं बोल देता हूं और जल्दी वो ठीक हो जाएगा। हम लोग सीईओ को भी फ़ोन मिला है स्मार्ट सिटी नगर आयुक्त को, लेकिन वो फ़ोन पर नहीं आ रहे हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी अगर वो खुद नहीं बदलते हैं नाम, तो समाजवादी लोग खुद ही जा कर के तोड़ के वहाँ राजनारायण जी का पत्थर लगाने का काम करेंगे। कितने दिनों का मोहलत दिए हैं? 72 घंटे। भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में बीजेपी काशी क्षेत्र महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री अपराजिता सोनकर ने साफ तौर पर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर कहा कि अगर हमारा देश संकट से जूझ रहा है तो भीड़ इकट्ठा और बड़ी रैलियां राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए और सभी को कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करना चाहिए। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 40% महिलाओं को चुनाव में सीट दिए जाने पर कहा कि आज वो 40% की बात कर रही हैं, लेकिन जब पूर्व में उनकी सरकार थी तो उस समय अगर इन्होंने महिलाओं के लिए 20% भी काम किया होता तो आज 40 नहीं बल्कि 80% महिलाएं और लड़कियां उनके साथ होती, लेकिन उनकी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अगर महिलाओं के संरक्षण और उनकी सुरक्षा व शिक्षा के बारे में किसी ने सोचा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसलिए लगभग 100% महिलाएं और लड़कियां आज उनके या यूं कहें बीजेपी के साथ हैं। मैम, प्रियंका गांधी 40% महिलाओं को इस बार सीट देने की बात कर रही हैं, साथ ही साथ ये भी चर्चा चल रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन लेकर के कांग्रेस इस समय मैदान में है, किस तरीके से देखती हैं इसको? सबसे पहले तो मैं 40% की बात करती हूँ, आज उनको 40% याद आया है। पहले जब उनकी सरकार थी तब वो महिलाओं के लिए यदि 20% भी काम की होती तो आज 40% के बजाय 80% महिलाएं लड़कियां उनके साथ होती, लेकिन उन्होंने उनकी सरकारों ने कोई काम नहीं किया। काम किया महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं की पढ़ाई लिखाई के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इज्जत के बारे में किसी ने सोचा तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। आज 60% नहीं लगभग 100% महिलाएं उनके साथ हैं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैम, अगर बात की जाए कि ओमिक्रॉन का इस समय इस खतरा बढ़ता नजर आ रहा है, ऐसे में कोर्ट ने भी कहा है कि चुनाव को लेकर के सरकार से सवाल किए हैं कि क्या ऐसे समय में चुनाव होने चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि वास्तव में ऐसे समय में चुनाव होने चाहिए? ये विषय देखिए चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग ही इस पे निर्णय ले, ये बेटर रहेगा। और ओमिक्रॉन के लिए मैं जनता से यही अपील करूंगी कि मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर का यूज करें, कृपया उचित दूरी बनाकर रहें, सुरक्षा ही अपनी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। ऐसे समय में जो समाजवादी पार्टी या अन्य दल हैं जो रैलियां और सभाएं अधिक कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या ऐसे राजनीतिक दलों को रैलियां और सभाएं करनी चाहिए? अगर हमारा देश संकट से जूझ रहा है तो ये रैली और भीड़ इकट्ठा करना नहीं करना चाहिए, बड़ी रैलियां नहीं करनी चाहिए, उनको भी कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसके नियमों का पालन करना चाहिए। दिव्यांगजनों द्वारा जनचेतना रैली निकाली गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन विकास यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत भेलूपुर स्थित बाबा कीनाराम आश्रम से बीएचयू स्थित सिंहद्वार तक दिव्यांग जनों द्वारा ये यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक संजय चौरसिया ने बताया कि पार्टी द्वारा जनचेतना रैली निकाली जा रही है, जिसमें दिव्यांग जनों ने सहभागिता देते हुए बाबा कीनाराम स्थली से बीएचयू सिंहद्वार तक रैली निकाली और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन कर कार्यक्रम का समापन किया। डॉक्टर साहब, किस तरीके का ये यात्रा निकाला गया है और क्या है? आज पूरे महानगर और जिला के जितने भी दिव्यांग बंधु हैं सभी लोग
प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार जितने दिव्यांगों के लिए अच्छे कार्य किए हैं तथा लगातार पिछले 7 वर्षों में केंद्र सरकार जो कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिव्यांगों के हित का कार्य कर रही है, उसको लेकर के जन चेतना यात्रा के माध्यम से सभी दिव्यांग लोग प्रदेश और केंद्र सरकार को धन्यवाद करते हुए एक रैली निकाल रहे हैं, जिसका समापन मालवी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दिया गया तथा यह यात्रा सीनाराम बाबा से शुरू करके लंका पर मालवी चौराहे तक BHU IIT के छात्रों ने 3 सूत्री मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT के छात्रों ने 3 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासनिक कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। धरनारत छात्रों का कहना था कि 2017 में जारी अधिसूचना को 2018 में यानी 14 महीने बाद हम लोगों को बताया गया, हम लोगों को पूर्णकालीन स्कॉलरशिप का दर्जा नहीं मिलता है, न स्कॉलरशिप पूरी मिलती है, जबकि रुड़की IIT में आधा काम करने पर पूरा फेलोशिप दिया जाता है। मैं छात्रों का कहना था कि हम लोगों को नियमित छात्र का दर्जा दिया जाए, साथ ही हॉस्टल अलॉट किया जाए। मनीषा जी, क्या मांग है, क्या मुद्दा लेकर आप यहाँ बैठे? हमारा सबसे पहला मुद्दा है 2017 का जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था, उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग रूल ये था कि अगर आप प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद बाकी की PhD ड्यूरेशन में आपको फुल फेलोशिप दी जाएगी, ये 2017 के ऑर्डिनेंस में मेंशन था। लेकिन इन्होंने किसी डिपार्टमेंट को ये नोटिस नहीं भेजा, नोटिस आई 14 महीने बाद 2018 में, और उसमें इन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट कम्प्लीशन के बाद आपको आधी फेलोशिप दी जाएगी। तो ऑर्डिनेंस और नोटिस में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, पहला मुद्दा। और उसके बाद भी हमें जैसे बाकी स्टूडेंट को फुल फेलोशिप मिलती है, हमें पूरी फेलोशिप चाहिए। छात्रों का पूरा मांग क्या है? पूरा मांग ये हमारी पूरी फेलोशिप। दूसरा मुद्दा ये है कि हॉस्टल, हॉस्टल की वजह मतलब कि जो रेगुलर PhD स्टूडेंट है उन्हें हॉस्टल दे दिया गया है और प्रोजेक्ट PhD स्टूडेंट को हॉस्टल नहीं दिया गया है, और उसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम। जैसे हम लोग लड़कियां हैं तो अगर कभी कभी हमारा काम जो होता है रात के 10-11 बजे तक चलता है, उसके बाद यहाँ पे गेट बंद कर देते तो हमें पूरा लंका से घूम के जाना पड़ता है, तो सेफ्टी इशू वो होता है उतनी रात को हमें बाहर जाना। मैं खुद याद है मुझे, मैं एक बार 11 बजे, एक बार रात को 1 बजे भी मैं लैब से गई हूँ, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। अगर हॉस्टल नहीं मिलता तो ये प्रॉब्लम हमें होती है, या तो हमें काम आधा छोड़ना पड़ता है बीच में फिर दूसरे दिन स्टार्ट करो, और अगर काम पूरा करो तो रात में जाने में इशू होती है। उसके बाद तीसरा मुद्दा जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम का मतलब क्या है कि अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं साथ में रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसे पार्ट टाइम दो, लेकिन हम तो यहीं पे सुबह 8 बजे से रात के 10-11 बजे तक रहते हैं, पूरा काम यहीं पे कर रहे हैं, हम लोग का भी रेगुलर साइन होता है, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग को भी TA वाली ड्यूटी जैसे क्लासेस वगैरह कॉपी चेक करना सब लगाते हैं, तो फिर हमें पार्ट टाइम क्यों कंसीडर कर रहे हो। बड़ादेव क्षेत्र में आंगनबाड़ी की ओर से अन्नप्राशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाध्यक्ष समेत बड़ादेव के अंतर्गत आंगनबाड़ी नेत्रियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार 6 माह के बच्चों के लिए अन्नप्राशन कार्यक्रम कराया गया। अन्नप्राशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय समाज सेवी अमिताभ दीक्षित मौजूद रहे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने बताया कि 6 माह की उम्र पूरी कर 7वें माह की उम्र में पहुंचे बच्चों को अन्न ग्रहण करवाने की शुरुआत करा देना चाहिए, जिससे उन्हें आवश्यकतानुसार सभी पोषक तत्व मिल सकें। उन्होंने महिलाओं को संदेश दिया कि वे आंगनबाड़ी के संपर्क में रहें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर देश को कुपोषण मुक्त बनाएं। कार्यक्रम में नीलेश मिश्र, बैजनाथ प्रसाद, मुख्य सेविका नंदिनी श्रीवास्तव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री मधु गुप्ता, रेणु जायसवाल, सोनी गुप्ता इत्यादि मौजूद रहीं। अमिताभ जी, आज किस तरह का यहाँ कार्यक्रम चला, क्या संदेश दे रहे हैं? ये देखिए, आंगनबाड़ी द्वारा जिस तरीके से केंद्र सरकार और यहाँ पे प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा निर्धारण किया गया है कि जो गरीब तबके के हमारे सारे बच्चे हैं, जो उन लोगों के लिए आज के दिन गुदौलिया स्थित इस बड़ादेव के मंदिर के प्रांगण में हम सभी आंगनबाड़ियों के समूह और इन सारे लोगों के साथ जो बच्चे 6 माह के उपरांत हुए हैं, उनका आज सरकार के द्वारा अन्नप्राशन का आयोजन जगह जगह किया गया था, और इसी क्रम में आज इस स्थान पे भी हमारे सभी हमारे सहयोगी आंगनवाड़ी के जितने भी यहाँ पे महिला नेत्री और समाज सेवी हैं, इन लोगों ने अथक प्रयास करके सुबह से लगातार मेहनत करते हुए इस सफल आयोजन अन्नप्राशन का किया, जिसके लिए हम इन सभी लोगों का शुक्रगुजार हैं और आंगनवाड़ी के सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, और अपने आने वाले नए बच्चों को भविष्य के सपना और सुंदर सजोनते हुए उनके नए वर्ष में भविष्य की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हम सभी
ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए और उन महिलाओं के लिए जो अपने बच्चों को ऊपरी आहार देते हैं, अनुप्राशन का प्रोग्राम है। सरकार द्वारा निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार बच्चों का अनुप्राशन किया जाना सुनिश्चित है। माह के चौथे शनिवार में या बुधवार में यह प्रोग्राम सुनिश्चित किया जाता है। जिस डेट पर यह आयोजन किया जाता है उस अनुसार बच्चों को और महिलाओं को ये संदेश देना हम चाहते हैं कि बच्चों को 6 माह तक के बच्चों को जैसे पहले के लोग हैं कि ऊपरी आहार देते थे, अब ना देके बस उन्हें सिर्फ अपना दूध पिलाएं और जब जब 6 माह पूर्ण हो जाने पे आंगनबाड़ी केंद्र अपने घर पे उसका अनुप्राशन सुनिश्चित करें। उसके अलावा बच्चों को ठोस ऊपरी आहार निरंतर गाढ़ा भोजन उसको खिलाते रहे ताकि जो हमारा अभियान है सुपोषण मुक्त अभियान बनाने में हम इसमें सफल हो। और जिस तरह से हम लोग बच्चों का वजन करते हैं और बच्चों का सुपोषण मुक्त के लिए बार बार उन्हें प्रेरित करते हैं कि आप अपने बच्चों को टीका कराइए, वैक्सीन कराइए और बच्चों को नियमित वजन कराइए, इस आधार से उनको मैं महिलाओं को संदेश देना चाहती हूं कि अपने आंगनबाड़ी केंद्र में मिल रहे सभी सेवाओं को प्राप्त करें और अपने सभी सेवाओं को प्राप्त कर उनसे मिलने से संपर्क बनाएं, अपने बच्चों को सुपोषण। मंगलवार की दोपहर से शुरू हुई बारिश ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया। मंगलवार की दोपहर से अचानक शुरू हुई बारिश ने आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया। एक ओर जहां ठंड और गलन बढ़ गई तो वहीं सड़कों पर भी बारिश के चलते सन्नाटा दिखने लगा। शाम होने से पहले ही सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दिए। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक लगातार बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। बारिश के चलते ठिठुरन काफी बढ़ गई है। बारिश तो देखिए नेचुरल है और बारिश तो प्रकृति का देन है और इससे निश्चित रूप से यह बारिश किसानों के लिए तो अमृत समान है। और ठंड आती है जाती है, आएगी जाएगी वो अलग की बात है, लेकिन कहीं न कहीं अब हमारे जो है गेहूं की फसल है, गेहूं फसल के लिए बहुत बड़े समझ लीजिए अमृत है, क्योंकि ये बारिश जो है गेहूं के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। देखिए अभी तो चालू हुआ है और जब जाड़ा, ये तो हम लोग हर बार देखते हैं, जब जाड़ा जब समाप्ति की ओर होता है तो जनवरी जब शुरुआत होती है तो कुछ ना कुछ 15-20 दिन तक कोहरा बारिश हो सकता है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत बर्फ जो है भी गिर सकता है, तो ये तो नेचुरल है जो है हमेशा की तरह कुछ ना कुछ ठंड तो पड़नी चाहिए। अभी तो ठंड उतना पड़ी कहाँ, अभी तो कपाने वाली ठंडी तो अभी पड़ी नहीं, अब पड़नी चाहिए। बारिश होने से नुकसान कितना? नुकसान नहीं होगा, ये तो किसानों के लिए अमृत है और वरदान है जो है, और गेहूं की अब बुआई होने वाली है, हो भी रही है, तो ये तो पलेवा लेवा का जो सीजन था अब खत्म हो गया, तो वो लाजमी है कि जो है बारिश फसल के लिए वरदान ही है, अमृत का काम करेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्राइवेट एम्बुलेंस चालक द्वारा एक छात्र की पिटाई किए जाने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बीएचओ सिंह द्वार बंद कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सिंह द्वार को छात्रों ने बंद कर धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे छात्रों ने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस चालक के द्वारा बीएचयू के छात्र की पिटाई की गई और उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाकर उसे लंका थाने में बंद करा दिया गया, जिसको लेकर हम छात्र सिंह द्वार पर धरना प्रदर्शन कर छात्र को छुड़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं बीएचयू इमरजेंसी के पास प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों द्वारा हो रही दलाली को भी बंद किए जाने की मांग की गई। हम लोग काशी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो यहाँ पे गेट पे धरना दिए हुए हैं। हम लोगों का प्रकरण ये है कि हम लोगों के एक स्टूडेंट को, यहाँ पे हमारे सीनियर स्टूडेंट है, उनको कुछ दलाल यहाँ इमरजेंसी के पास बीएचयू इमरजेंसी से उठा कर और लेकर चले गए और ले जाकर थाने में थाने में लेकर दे दिए हैं। और उनका दलाल है, सब यहाँ के वो सब दलाल है, बीएचयू सब दलाली करते हैं और ये सब इसी तरह छात्रों को फंसा देते हैं झूठे मुकदमों में, केसों में, और इसी तरह हम लोग इसीलिए उनको भाग ले गए और उनके लिए हम लोग उनको छुड़वाने की मांग को लेकर और धरना दलाली बंद करने की, बीएचयू कैंपस में प्राइवेट एम्बुलेंस के दलालों को बंद करने के, मनोज मिश्रा, जीवन सिंह पटेल, ये सब जो है इन सबों को बैन करना है अंदर, और प्राइवेट एम्बुलेंस वाली दलाली बंद करना है।
प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन से यही हम कहेंगे कि वो सब दलाली बंद कराए यहाँ पे प्रशासन। हम लोग इससे पहले भी 3-4 दफा दलालों को पकड़ कर और हम लोग दे चुके हैं बेचू प्रशासन को, प्रशासन से फिर वो जाते हैं और वहाँ थाने से फिर छूट जाते हैं। यही सब होता है और कुछ उचित कार्यवाही नहीं हो रही उन सबों के खिलाफ। कांग्रेस स्थापना दिवस पर कांग्रेस जनों ने गरीबों में फल वितरित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर दशाश्वमेध स्थित खिचड़िया बाबा मंदिर के प्रांगण में युवा नेता विपिन मेहता और आकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में गरीबों में फल का वितरण किया गया। इस मौके पर प्रमोद वर्मा, ओम शुक्ला, गोरखनाथ यादव, पवन खन्ना, रवि मौर्य इत्यादि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने गरीबों में फल वितरण का कार्यक्रम किया है। क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहते हैं कि आज के समय का जो भी मुद्दा, मेन मुद्दा तो इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगाई चल रहा है और हम आम जनता से अपील करेंगे कि इस बार महंगाई को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और ये भाजपा सरकार को इस देश से ही नहीं प्रदेश से भी हटाना होगा। लगभग आज कितने लोगों को वितरण किया गया फल? ये लगभग आज करीब 50-60 लोगों में फल वितरण हुआ है, सब लोगों के बीच में फल वितरण का कार्यक्रम हुआ है। ये दशा समेत खिचड़िया बाबा के पास। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पे? हमारे कांग्रेस के साथियों के साथ जो हमारे बड़े भाई विपिन मेहता जी हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं सारदा चढ़ी के, उनके नेतृत्व में हम सभी आज दशास में के खिचड़िया बाबा मंदिर के पास में फल वितरण और खिचड़ी बांटने का कार्यक्रम हम लोगों ने आज अब किया था। देखिए संदेश क्या, हम इस कांग्रेस का स्थापना दिवस है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है हमारी पार्टी के लिए, तो हम यही अपेक्षा करते हैं जनता के बीच में, हम यही संदेश लेकर के आए कि जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं, जो सरकार के द्वारा जो भी लोगों को परेशानियां हुई कोरोना काल में और महंगाई को लेकर के, तो उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले चुनाव में जनता इनको अपना जवाब जरूर देने का प्रयास करे, हम यही अपील उनसे की। बीएचयू छात्र कल्याण केंद्र में हिंदी तिथि के अनुसार मालवीय जयंती मनाई गई। प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के द्वारा छात्र कल्याण केंद्र बीएचयू में मालवीय जयंती कार्यक्रम हिंदी तिथि से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ जिसका विषय विज्ञान और तकनीक में मालवीय जी की दृष्टि रहा, जिसमें मुख्य वक्ता रामनगर पीएससी के कमांडेंट बीएचयू के पूर्व छात्र अनिल कुमार पांडे रहे। अपने संबोधन में सभी वक्ताओं ने कहा कि मालवीय जी ने 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कला, साहित्य एवं संस्कृत शिक्षा की जो परिकल्पना की थी वह आधुनिक भारत में आदर्श शिक्षा का केंद्र बीएचयू बनेगा। कार्यक्रम में 101 प्रबुद्ध जनों, जिसमें बीएचयू के अध्यापकगण, गैर शिक्षक कर्मचारीगण, छात्र छात्राएं, बीएचयू के पूर्व छात्रगणों एवं 17 प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को मालवीय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसमें केटीवी चैनल के संवाददाता अनंत यादव को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर एन के दुबे, विभाग अध्यक्ष वनस्पति विज्ञान विभाग बीएचयू ने किया। अन्य अतिथियों में प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी, प्रजनाथ शर्मा, डॉक्टर पद्मनाभ द्विवेदी, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर सीमा तिवारी इत्यादि लोग शामिल रहे। सर किस तरह का आज कार्यक्रम हुआ, क्या था ये? आज छात्र कल्याण केंद्र में आज मालवीय जी की हिंदी तिथि से मालवीय जयंती का कार्यक्रम का आयोजन प्रोफेसर हरिहरनाथ त्रिपाठी फाउंडेशन के माध्यम से आयोजन किया गया। आयोजन में हम लोगों ने एक संगोष्ठी का एक विषय रखा था कि मालवीय जी की दृष्टि में विज्ञान और तकनीक का क्या उनकी दृष्टि थी, यह इस विषय पे हमारे आज मुख्य वक्ताओं में प्रोफेसर एन के दुबे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बॉटनी, प्रोफेसर मल्लिकार्जुन जोशी जी जो विज्ञान संस्थान के भूतपूर्व डीन थे, हमारे ही एल्युमिनाई और रामनगर पीएससी के कमांडेंट डॉक्टर अनिल पांडे जी जो अब आईपीएस अब उनका प्रमोट हो गए हैं वो थे, और महिला महाविद्यालय से प्रोफेसर पूनम सिंह जी, डॉक्टर सीमा तिवारी जी, और कृषि विज्ञान संस्थान से ये द्विवेदी सर, ये सारे लोगों ने आज इस संगोष्ठी में इस विषय पर अपना व्याख्यान दिया। और इस कार्यक्रम की कड़ी में जो दूसरा जो अंश था वह अपने विश्वविद्यालय के जो छात्र, गैर शिक्षण कर्मचारी गण और शिक्षक गण, इनका भी हम लोगों ने प्रथम बार, द्वितीय बार मालवीय स्मृति सम्मान से हम लोगों ने सम्मानित किया है। हमारे विश्वविद्यालय से जो पूर्व छात्र जो बनारस में और अन्य शहरों में हैं, जो आज कार्यक्रम में आ सके, उनको भी हम लोगों ने मालवीय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 17 मीडिया कर्मियों को हम लोगों को आज
उनको सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। चंदौली नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी पर धान क्रय समस्या के विरोध में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। चंदौली जनपद के सदर कोतवाली के नरसिंहपुर स्थित नवीन मंडी पर किसानों ने धान क्रय केंद्र की हो रही समस्या को लेकर चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें कि शासनादेशानुसार आज व कल के ऑनलाइन टोकन निरस्त कर दिए गए तथा पुराने ऑफलाइन टोकन पर धान क्रय करने का आदेश जारी हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। वहीं मौके पर उप जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने आश्वासन देकर चक्का जाम खत्म कराया तथा कहा कि मौसम खराब होने की संभावना है, कुछ भ्रम हो गया था किसानों में, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है। विभाग द्वारा शासन के गाइडलाइन के अनुसार धान क्रय की प्रक्रिया की जा रही है। पुराने किसानों के जो पुराने टोकन जारी किए गए हैं उनकी खरीदारी हो रही है, जल्द समस्या दूर हो जाएगी। अभी किसानों ने धान क्रय की समस्या को लेकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया था, क्या था मामला? इशू ये था कि शासनादेश के अनुसार आज और कल के सभी टोकन निरस्त कर दिए गए हैं और आज और कल जो पुराने जारी हैं ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन के आधार पर खरीद करने के निर्देश हुए हैं। मौसम खराब होने की संभावना है, उसी पे कुछ कन्फ्यूजन था जो किसानों को समझाया गया तो ये लोग मान गए। आए दिन धान क्रय की समस्या आ रही है, इसके बारे में विभाग द्वारा क्या किया जा रहा है? समय समय पे शासनादेश परिवर्तित हुए हैं जिसके कारण कभी कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, सही जानकारी न होने के कारण किसानों को समस्याओं का सामना करना। आज जो किसान हंगामा किए थे, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष यही है कि आज जितने हमारे मंडी के अंदर धान पहले से आ चुका है पूरा खरीद करा लेंगे, फिर दूसरे किसानों को धान दिया। और जिन किसानों का आज के लिए ऑनलाइन टोकन जारी हुआ था उनका क्या शासनादेश हुआ है कि आज और कल के सभी टोकन निरस्त रहेंगे। डीएवीपीजी कॉलेज में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध डीएवीपीजी कॉलेज के प्रांगण में इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वीके शुक्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत कुलपति, सेक्रेटरी और डीएवीपीजी कॉलेज के चेयरमैन को पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्रम भेंट कर किया गया। वहीं कुलपति ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनसे परिचय प्राप्त किया, साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर अजीत कुमार सिंह, सर्वेश पांडे इत्यादि लोग प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संदेश यही देना चाहेंगे कि खेल जो जिंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जैसा कि हमारे राय साहब ने भी कहा, हमारे संस्थापक ने भी कहा है कि कसरत बहुत ही आवश्यक है। जब आप कसरत करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ होता है, जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तभी आपका दिमाग स्वस्थ होता है और जो आप करना चाहते हैं वो अपनी पूरी क्षमता से कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये टीम भावना को भी जन्म देता है, लोगों को सिखाता है टीम के साथ कैसे रहना चाहिए, टीम के साथ कैसे काम करना चाहिए। तीसरा, ये खेल भावना भी उत्पन्न करता है। आप देखिए तो ये देशों को जोड़ता है, जिलों को जोड़ता है, गांवों को जोड़ता है, तो ये एक ऐसी विधा है जिससे लोग एक दूसरे के आसपास आ सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि दुनिया ने जाना है और विश्व में वैज्ञानिक दृष्टि ये प्रूव हुआ कि हमारा हिंदुस्तानी खाना बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल क्या होता है, आज कोई चाइनीज़ खाने जाता है तो कोई इटालियन खाने जाता है तो कोई थाई खाने जाता है, तो ये एक अंधा दौड़ इसको कहेंगे कि हमारे जो मुख्य जो धारा का खेल था हॉकी, गुल्ली डंडा, और जो हम लोगों ने गांव में खेले हैं, हम तो गांव के आए हैं, वॉलीबॉल, ये सब, कबड्डी, ये सब गेम ऐसे हैं जिनमें कि पूरी शरीर की क्षमता का टेस्ट होता है, लेकिन ये जो मीडिया ने आजकल इतना हाइप क्रिएट कर दिया कि टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट जैसा आप कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन क्या है कि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए लोग उधर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है। और मैं बधाई देना चाहूँगा भारत सरकार को कि उन्होंने देखे इस तरह के प्रो कबड्डी का एक इन्होंने शुरू किया, एक हॉकी का शुरू किया, एक बैडमिंटन का शुरू किया, तो जिसमें जिसकी प्रतिभा है वो उनको उसमें आगे बढ़ने का एक मौका दे रहे हैं और उससे हमको पूरा उम्मीद है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। और जैसा कि अभी किसी ने कहा कि हम एक एक मेडल के लिए तरसते हैं, चाहे वो एशियन हो, कॉमनवेल्थ हो या ओलंपिक हो, तो मेरा ख्याल है वो दिन दूर नहीं है कि अगले ओलंपिक से हमको ये इसकी संख्या बढ़ेगी और हम भी जो श्रेणी आती है उसमें कहीं ऊपर भारत को पाएंगे। चंदौली मुगलसराय के सहजौर गांव निवासी एक वृद्ध महिला ने न्याय की गुहार लगाई। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद के पुलिस लाइन से है, जहां पर एक वृद्ध विधवा महिला ने न्याय की गुहार लगाई है।
आपको बता दें कि मुगलसराय थाना के सहजौर गांव की रहने वाली वृद्ध महिला रामप्यारी देवी के पति की मृत्यु काफी अरसा पूर्व हो गई थी, जो पीएससी विभाग में तैनात थे। वृद्ध महिला ने आरोप लगाया है कि गांव के ही कुछ लोग उनके मकान पर जबरदस्ती बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, मकान में जबरदस्ती ताला बंद कर दिया है तथा धमकी दे रहे हैं। इस बाबत वृद्ध महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। आप एएसपी ऑफिस आई हैं? हाँ। क्या है? हमारे संगे बहुत परेशानी कर रहा है। कौन कर रहे हैं? हमारे दयाद नहीं है सके। क्या परेशानी कर रहे हैं? परेशानी कर रहे, हमको रहने नहीं दे रहे हैं। एक दफे सब सामान लूट के लेके चला गया। सामान कहाँ से लूट के लेके चले गए? हमारे घर में से। आपको घर में रहने नहीं दे रहे हैं? नहीं। आपका घर है? हाँ। अच्छा, आप गाँव में सबसे पूछ लीजिए कि किसका बनाया हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग कह रहे हैं कि हमारा हिस्सा है आपके घर में। हाँ। इस पे अधिकारी अधिकारी लोग से बात हुई? हाँ, तो ताला मार दिए वो लोगों। अच्छा, वो लोग ताला मार दिए। हाँ, गए थे। अच्छा, कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ, नहीं। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमारा मकान खोल दे, हम वहाँ भी रहेंगे यहाँ भी रहेंगे। यहाँ अपने फायदे किए रहते हैं। अच्छा, वो लोग परेशान किए तब हम यहाँ चले आए हैं अपने। अच्छा, वो लोग परेशान किए। पराड़कर भवन में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मुन्नू लाल की पुण्यतिथि मनाई गई। वाराणसी के नागरिक संघ के तत्वाधान में वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय मुन्नू लाल की 9वीं पुण्यतिथि पराड़कर भवन के गर्दे सभागार में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आए हुए अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, साथ ही कवियों ने अपनी रचनाएं भी प्रस्तुत की। इस मौके पर प्रोफेसर जितेंद्र नाथ मिश्र, अत्रि भारद्वाज सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज वरिष्ठ पत्रकार मुन्नू प्रसाद पांडे जी की जयंती के ऊपर ये एक स्मरण गोष्ठी है, जिसमें हम उनके व्यक्तित्व को कृतित्व को याद कर रहे हैं। मुन्नू प्रसाद पांडे जी बहुत सहज और कर्मठ व्यक्ति थे। सबसे पहला रंबा अखबार जो सिने अखबार था उन्होंने प्रकाशित किया और उसको बड़े मनोयोग से उन्होंने लंबे समय तक चलाया जब तक वो जीवित रहे, और उसके बाद भी उनके बेटे ने चलाया, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण वो बीच में बाधित हुआ। राममय रात की शुरुआत भी मुन्नू प्रसाद पांडे जी ने की थी, और वो एक धर्म भीरु, अध्येता और बहुत ही कर्मठ ईमानदार पत्रकार थे। हमेशा सहज अनुभूति के साथ वो सबके सामने पेश आते थे, और ऐसे व्यक्तियों को याद करना इसलिए ज़रूरी है कि जो नई पीढ़ी सामने आ रही है उसको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के व्यक्तित्व भी होते हैं जिनको लोग याद करते हैं। और व्यक्तित्व वही होता है जिसकी जिससे हम प्रेरणा लें, जिसको हम याद करें। तो मुन्नू प्रसाद पांडे जी एक सहज पत्रकार, कर्मठ व्यक्ति और अपने ऊपर विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। भले वो देखने में सामान्य लगते थे, लेकिन असाधारण थे, उनका व्यवहार असाधारण था, और उनके संपर्क में जो भी आया वो उनका अपना बन के रह गया, और वो छोटे या बड़े हरेक को उसी भाव से लेते थे, मित्रवत भाव से लेते थे। ऐसे व्यक्ति को स्मरण करने के लिए आज ये तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएमओ कार्यालय से फ्लावर कलेक्शन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। कर्नाटक मंत्री प्रभु बी चवन पत्रकारों से हुए रूबरू। और फिल्मी दिग्गज अनुपम खेर, मधुर भंडारकर, सतीश कौशिक ने देखी मां गंगा की आरती। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।